तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो अक्सर भाई लोग जो कमेंट करते रहते हैं, सर मेरे से स्विंग कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो गाइज, अगर आपसे अगर स्विंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसको मैं आपको मैं बता देता हूँ। जो आप जो बूम जो ऑपरेट करते हो और आपसे जो स्विंग नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो गाइज मेरा ये स्विंग कंट्रोल करने का बहुत सारा वीडियो है मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे जाके आप विजिट कीजिए और गाइज उस वीडियो को भी देखिए, ताकि आप लोगों को ज़रूर समझ में आए। तो गाइज, आज मैं फिर से एक कोशिश में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैं बताना ये चाहूँगा कि अगर जब भी आप टेलर लोडिंग करने के लिए जाते हो, या डम्फर लोडिंग करने के लिए जाते हो, कुछ भी लोडिंग करने के लिए जाते हो, और जैसे ही मिट्टी कटिंग कर लिया, उठा भी लिया, और जैसे ही आप स्विंग करते हो, तो टेलर के पास पहुंचने वाला रहता है, यानी टेलर के पास अगर चला जाता है बूम, वहां पे जाने से पहले एक खास ट्रिक है। वहां से मतलब टेलर के पास जहाँ पे आप मिट्टी को खोलोगे, वहां पे जाने से पहले आपको करना क्या होगा गाइज, पहले स्विंग वाले जो हैंड जो आपको मैं बता दूँ, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये इधर, ये जैसे ही आप उस तरफ के लिए ऐसे स्विंग करते हो, जैसे ही टेलर के पास जाता है, आपको धीरे धीरे हाथ को ऐसे लीवर के पास छोड़ देना है। तो गाइज, मैं पहले लीवर के पास मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में और मैं आगे में बताऊंगा, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये बूम ऑपरेट करने का दोनों लीवर है, ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। तो गाइज, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आप लोगों को स्विंग कंट्रोल करने का ट्रिक पता चल जाए। तो गाइज, थोड़ा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। गाइज, मैं बताया था कि इस पोर्ट पे करते हो तो आपका, सिर्फ स्विंग का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बूम ऑपरेट करने का बहुत सारा मेरे चैनल पे वीडियो हो चुका है। तो गाइज, यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो आप बोल्ट देख रहे हो, ये वाले बोल्ट पे जो ऐसे जो करते हो लीवर, तो अपना जो बूम जो है इस तरफ जाता है, ठीक है गाइज। और इसी के सीधा आगे वाला बोल्ट जो है, ए वाला जो बोल्ट है, इस बोल्ट को आप उस बोल्ट के पास अगर ऐसे लीवर करते हो, तो आपका ये जो बूम जो है लेफ्ट स्विंग करता है। तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा, मैं कोशिश करता हूँ गाइज कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आए, आ जाए, मैं इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइज, जैसा कि मैं ओनली सिर्फ स्विंग का बता रहा हूँ, क्योंकि स्विंग में ही झटका लेता है जो नए नए ऑपरेटर हैं, जो नए नए जो चांस मारे हुए हैं, जो हेल्पर लोग जो हेल्पर ही कर रहे हैं, हेल्पर भाई लोग, उनके लिए है। तो सबसे पहले हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है गाइज। देख सकते हो, चाबी ऑन किया, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद गाइज, आप देख सकते हो, यहाँ से मैं थोड़ा बूम को नीचे डाउन कर देता हूँ, ठीक है गाइज। अब मान के चलो कि आपको यहाँ पे स्विंग करना है और वहीं पे एग्जैक्टली रोकला है, तो आपको मैं बता दूँ गाइज, इस पे करते हो तो आपका राइट स्विंग हो जाएगा, और उसी वो बोल्ट के सीधा आगे वाले बोल्ट इस पे करते हो तो आपको लेफ्ट स्विंग हो जाएगा। तो देख सकते हो, हमको वहाँ रोकना है, तो देख सकते हो स्विंग किया, देख सकते हो ये स्विंग बहुत अच्छे तरीका से हो चुका है, और गाइज आप देख सकते हो लेफ्ट स्विंग हो रहा है, ये वाले बोल्ट पे करते तो लेफ्ट स्विंग हो रहा है, ठीक है गाइज। और यहाँ पे रोक भी दिए, और इसी के सीधा उस बोल्ट पे करते हैं तो लेफ्ट स्विंग हो रहा है, सॉरी लेफ्ट स्विंग हो रहा है, और ए वाले बोल्ट पे जो करते हो तो आपका राइट स्विंग हो रहा है, बूम देख सकते हो राइट स्विंग हो रहा है। तो मैं सबसे पहले मैं बूम को फैला देता हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में भी हो। तो गाइज, आप देख सकते हो कि मैं बूम को जो है पूरा मैं खोला नहीं हूँ, हल्का खोला हूँ, ताकि आप लोगों को स्विंग समझाने में हो जाए हमको भी। और गाइज, मैं आपको बता दूँ कि मैं लेफ्ट स्विंग कर रहा हूँ, तो ए वाले बोल्ट पे नहीं करना है, आगे वाले बोल्ट पे करना है। तो देख सकते हो मैं लेफ्ट स्विंग कर रहा हूँ, लेफ्ट स्विंग हो रहा है, ध्यान से देखना। अब वहाँ पर रोक देते हैं, देख सकते हो रोक दिए, झटका भी नहीं लिया मशीन, ठीक है गाइज। उसी तरीके से ए वाले बोल्ट पर करते हैं तो राइट स्विंग होगा और झटका भी नहीं लगा, देख लेना, ध्यान से देखना गाइज, देख सकते हो राइट स्विंग हो रहा है। अभी मैं और बताऊंगा गाइज, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा, देख सकते हो राइट स्विंग हो चुका है। उसके बाद लेफ्ट स्विंग फिर मैं करके बताता हूँ, लेफ्ट स्विंग
हो रहा है और रोकना है तो इसको धीरे धीरे हाथ को ऐसे छोड़ना है, रुक गया, ठीक है गाइज। और जैसे ही राइट स्विंग करना है और जहाँ पे रोकना है वहाँ पे धीरे धीरे हाथ को छोड़ देना है, लीवर जो है ऑटोमेटिक अपने जगह पे आ जाएगा। तो देख सकते हो मैं राइट स्विंग कर रहा हूँ, देख सकते हो राइट स्विंग करता हूँ और अब हमको रोकना है तो इसको हाथ हैंड को धीरे धीरे छोड़ देना है, ठीक है गाइज। इसी तरीके से लेफ्ट स्विंग भी करना है तो आपको उस तरीके से ऐसे लेना है और धीरे धीरे लीवर को छोड़ देना है तो अपना जगह पे जा कर के बन जाएगा और वहीं पे रुक जाएगा। तो गाइज मैं बताना ये चाहता हूँ जितने भी नए ऑपरेटर हो और आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि बूम को कैसे कंट्रोल करें हम, तो गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आप अगर टेलर लोडिंग करते रहते हो तो टेलर लोडिंग करने टाइम में जहाँ पे आपको मतलब ऑलरेडी रोकना रहता है बूम को और वहाँ पे मिट्टी खोलना रहता है, मिट्टी बकेट को खोलना रहता है, तो गाइज मेरे कहने का मतलब जैसे ही आप लीवर को स्विंग की तरफ मोड़े, स्विंग वाले बोल्ट के ऑप्शन पे देते हो लीवर को, तो जैसे ही पहुंचने वाले रहता है आपको जो लीवर जो होता है लेफ्ट साइड का जो स्विंग वाला जो लीवर होता है उसको आपको धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे, यानी उस पॉइंट पे जाने से पहले बिल्कुल धीरे धीरे आपको लीवर को छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ देते हो लीवर का, उसके बाद आपको बॉकेट खोलने का काम रहता है, तो बॉकेट बकेट जो खोलने का जो लीवर है वो तो राइट हैंड में रहता है, बकेट बंद करो खोलो, वो तो मैं बताया हूँ बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ। मैं एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज, जैसे ही आप मतलब स्विंग करते हो मिट्टी कटिंग करके, जैसे ही आप स्विंग करते हो आपको स्विंग करने टाइम में आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, जैसे ही मतलब टेलर के पास चला जाता है, टेलर के पोजिशन बना लिए एक ही बार नचाए, तो जैसे ही नचाए, अगर फास्ट में भी अगर नचाते हो, जैसे ही आप नचाते हो आपको जहाँ पे आपको मिट्टी को डालना रहता है वहाँ पे जाने से पहले आपको लीवर को हल्का हल्का छोड़ देना है। जैसे ही आप लीवर को छोड़ देते हो तो लीवर ऑटोमेटिक बीच का पोर्शन में चला जाएगा, ना कोई सा फंक्शन उसमें छेड़ेगा ना कुछ, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो गाइज मेरा उम्मीद यह है कि आप जब भी मतलब स्विंग करते हो, मैं फिर से बता दूं गाइज, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, फिर भी मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ जाओ तो और भी अच्छा बात है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप मतलब स्विंग करते हो, मतलब लीवर से जो बूम का जो लीवर होता है, मिट्टी आप कटिंग कर लिए, मिट्टी बंद भी कर लिए बकेट में, और उसके बाद टेलर के पोर्शन पे ले जा करके आप एक ही बार स्विंग करते हो, तो जहाँ पे मिट्टी डालना रहता है वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे पहुँचने वाला रहता है आपको हल्का हल्का स्विंग वाले ऑप्शन को छोड़ देना है, तो आपको वहाँ पे झटका भी नहीं लेगा मशीन, थोड़ा बहुत लेगा, एक दो टेलर अगर लोड करोगे तो लेगा झटका, और जितना देर आप मशीन पे रहते हो उसको थोड़ा ध्यान से आप काम करो गाइज, आपको ऑटोमेटिक स्विंग कंट्रोल हो जाएगा। बूम का स्विंग कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, मशीन को झटका नहीं लेना चाहिए, कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं फिर से बता देता हूँ, मिट्टी कटिंग किए, बकेट में बंद किए, बूम को उठाए ऊपर और टेलर लेवल में बूम को उठा करके आप एक ही बार नचाते हो, तो ज़ोर से नहीं नचाना है, अगर आप नए हो तो धीरे धीरे नचा के डालो, क्योंकि ये एक ही बार नचाने से मशीन झटका लेगा ही और एक ही बार रोकोगे तो झटका लेगा ही, तो एक ही बार मतलब नचा के झटका नहीं लेना चाहिए मशीन, मतलब एक बार ही मत नचाओ। अगर आपका अगर एक्सपीरियंस अभी थोड़ा अभी बाकी है तो आपको मैं बता दूं गाइज कि आप बकेट में मिट्टी बंद कर दिए, ठीक है गाइज, जैसे ही आप बंद किए मिट्टी को, बूम उठाए टेलर लेवल में और उसके बाद स्विंग किए, ठीक है गाइज, जैसे ही स्विंग करते हो मेरे हाथ पे थोड़ा ध्यान देना गाइज, ऐसे करके आप स्विंग करते हो, जैसे ही स्विंग होता है मतलब टेलर वहाँ पे है, जैसे ही आप यहाँ से स्विंग करते हो जहाँ पे आपको मिट्टी डालना रहता है वहाँ पे जाते जाते आपको लीवर को भी हल्का हल्का छोड़ना पड़ता है, जैसे ही आप छोड़ देते हो आप लीवर को जो स्विंग वाले ऑप्शन को जो फंक्शन को जो छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिक वहाँ पे टेलर पे जा करके जहाँ पे आपको मिट्टी खोलना रहता है, जैसे ही वहाँ पे पहुँचने वाले हैं तो वहाँ पे लीवर को हल्का हल्का डाउन कर देते हैं, जैसे ही आप लीवर को मतलब छोड़ते हो आपको वहाँ पे जहाँ पे आपको गिराना रहता है मिट्टी को, जहाँ पे उझलना रहता है वहाँ पे जहाँ पे रुकता है वहाँ पे उसके बाद आपको बकेट को खोल देना है, ठीक है गाइज। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो और मैं वीडियो ट्रिक में डालूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो पे,
जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड गुड बाय गाइज। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिलेगा। तो गाइज